नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आपके पास सबसे अच्छा विकल्प है जो है आपका साबुन। आपके घर में जो भी साबुन है वो एक अच्छा विकल्प है, सैनिटाइज़र से कहीं अच्छा है। तो चलिए एक रिपोर्ट को देखते हैं और सैनिटाइज़र से अच्छा क्यों साबुन है उसे पूरा बारीकी से देखते हैं। आखिर सैनिटाइज़र से अच्छा साबुन किस तरह से काम करता है। जो भी आपके पास साबुन है, आपके घर में जो भी मौजूद साबुन है, निरमा है, उससे अच्छा है, सैनिटाइज़र से कहीं अच्छा है। तो चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में जो भी आज तक यहाँ पे न्यूज़ की वेबसाइट पे आते हैं और एक इस रिपोर्ट को देखते हैं, और रिपोर्ट को देखने के बाद ये सारा समझ में आ जाएगा कि क्यों अच्छा साबुन है सैनिटाइज़र से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सैनिटाइज़र नहीं तो चिंता ना करें, सैनिटाइज़र नहीं है तो चिंता ना करें, कोरोना वायरस के खिलाफ साबुन ज़्यादा कारगर। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्थ के प्रोफेसर पॉल थॉडलर के कोरोना वायरस से बचने के लिए साबुन को ज़्यादा बेहतर विकल्प बताया है। साबुन वायरस में मौजूद विविड का आसानी से खत्म कर सकता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाइजीन का ख्याल रखना ही बचाव की एकमात्र तरीका है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि साबुन या सैनिटाइजर से अच्छे से हाथ होकर ही आप इस जनलेवे वायरस से बच सकते हैं। हालांकि लोगों के बीच इसे लेकर भी बड़ी बहस है कि साबुन या सैनिटाइजर में से क्या ज़्यादा सही विकल्प है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्थ के प्रोफेसर पॉल थॉर्स ने कोरोना वायरस से बचने के लिए साबुन को ज़्यादा बेहतर विकल्प बताया है। साबुन वायरस में मौजूद विपिड का आसानी से खत्म कर सकता है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिल सके और हम इसी तरह से कोरोना वायरस से रिलेटेड वीडियो लेकर के हम आ सके। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल साबुन में फैटी एसिड और सॉल्ट जैसे तत्व होते हैं जिन्हें एमपी फाइल्स कहा जाता है। साबुन में छिपे तत्व वायरस की बाहरी परत को निष्क्रिय कर देते हैं। करीब 20 सेकंड तक हाथ धोने से वे चिपचिपा पदार्थ नष्ट हो जाता है जो वायरस को एक साथ जोड़कर रखने का काम करता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि साबुन से हाथ धोने के बाद स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है और उसमें कुछ झुर्रियां पड़ने लगती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन काफ़ी गहराई में जाकर कीटाणुओं को मारता है। अब बात करते हैं कि सैनिटाइजर क्यों साबुन जितना प्रभावशाली नहीं है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक जेल, लिक्विड या क्रीम के रूप में मौजूद सैनिटाइजर्स कोरोना वायरस से लड़ने में साबुन जितना बेहतर नहीं है। कोरोना वायरस का सामना सिर्फ वही सैनिटाइजर्स कर सकेंगे जिसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होगी। सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले साबुन इसके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी साबुन है तो आप उससे अच्छे तरह से हाथ को साफ करें ताकि आपको जो भी कोरोना वायरस से उसे अच्छी तरह से साफ करने से कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छे वाले सैनिटाइजर्स हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाने से पहले आप हमें एक कॉमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम इस तरह का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके और इसी तरह से वीडियो हम लगातार आपके सामने ला सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी से जल्दी एक नए वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय।